हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नियर हाइट गेज के बारे में। वर्नियर हाइट गेज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्नियर हाइट गेज एक स्पेशल टाइप का माइक वर्नियर कैलिपर्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके द्वारा हम किस डायमेंशन का हाइट या फिर डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। किसी भी अगर हमको हाइट को मेजरमेंट करना है तो वर्नियर हाइट गेज होता है, ये वर्टिकल पोजिशन में होता है, और जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल कैलिपर के फॉर्म में होता है, और जो हाइट गेज होता है वो वर्टिकल के फॉर्म में। हमारे पास लिखा होगा वर्नियर हाइट गेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच इज यूज्ड टू मेजर हाइट्स ऑफ डिफरेंट इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स अप टू हाई प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी ड्यूरिंग मेनी ऑफ इंडस्ट्रियल जॉब्स वेयर मेजरिंग रिक्वायर। वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसमें हम डिफरेंट प्रकार के जो इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी हम हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको काफी अच्छी हाई एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। अब वर्नियर हाइट गेज कैसे होता है वो हमारे पास ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये वर्नियर हाइट ये इसमें ये बेस बेस है। बेस के बाद हमारे पास जो ये स्केल लगा हुआ है, ये लगा हुआ मेन स्केल कहलाता है, ये मेन स्केल है। ये है मेजरिंग जार, ये पॉइंटर है जिसके द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं, लेवल लेके चलते हैं। और ये जो है वर्नियर स्केल है, इसके अंदर जो है वर्नियर स्केल है, ये है स्लाइडर, स्लाइड करता है। और ये है फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप, फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप है जिसके द्वारा हम उसको एडजस्ट करके उसको फिक्स करते हैं। और ये जो है ये फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये स्क्रू है जिसके द्वारा आगे पीछे स्लाइड करता है, और ये मेन स्केल है। तो ये हमारे पास पार्ट्स हैं, एक ये बेस, ये मेजरिंग जा, और ये वर्नियर स्केल, ये है हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप, ये मेन स्केल, और ये है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये हमारे पास वर्नियर हाइट गेज का डायग्राम। इसमें हमारे पास क्या करते, जब कोई भी हाइट कोई भी ऑब्जेक्ट की या कोई भी अगर हाइट को मेजरमेंट करते हैं तो जो बेस होता है बेस पे हम उस इंस्ट्रूमेंट को उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। रखने के बाद इस जो मेजरिंग जा है इसके द्वारा हम उसकी हाइट के लेवल पे ले जाते हैं। हाइट के लेवल पे ले जाने के बाद हमारे पास हम उसको हाइट के लेवल पे ले जाएंगे तो इसके द्वारा क्या करेंगे, इसको हमको रोटेट करके ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा इसके एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा। एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा हम रोटेट करेंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, स्लाइड होगा, ऊपर ले जाकर के जितनी उसकी हाइट है हाइट के लेवल पे ले जाएंगे। हाइट के ऊपर ले जाने के बाद उसको क्या करेंगे, ये जो स्लाइड है इसको स्लाइड करेगा, तो स्लाइड देकर तो ऊपर की तरफ ले जाएगा। उसको फाइन एडजस्टमेंट जो क्लैंप है, जो जब हमारे पास पूरा लेवल पे आ जाएगा उसके बाद इस क्लैंप के द्वारा इसको फिक्स कर देंगे, सेट कर देंगे कि हमारे पास उस पॉइंटर पर उसको सेट कर देंगे कहाँ पर हमारे उसको मेजरमेंट करने के बाद हम उसमें वर्नियर की स्केल की रीडिंग लेंगे और मेन स्केल की रीडिंग लेंगे। और मेन स्केल की रीडिंग लेकर के वर्नियर के जो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेकर के उसके बाद हम उसको मैथमेटिकल के द्वारा इसको रीडिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि हम वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग निकालते हैं। लीस्ट काउंट आपको मालूम है 0.1 mm के बराबर होता है, 1 mm होता है। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला रहेगा इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स में बताया था आपको, उसी टाइप से वर्नियर हाइट गेज की हम रीडिंग कर सकते हैं। इस टाइप से हम वर्नियर हाइट गेज को निकाल सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज स्टेप्स निकालते हैं। इसके द्वारा हम लिस्ट काउंट हमारे पास 0.1 mm के बराबर होता है। उसके बाद हम वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग को रखेंगे। रखने के बाद उसके द्वारा हम एक्चुअल में वर्नियर हाइट गेज के द्वारा जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट की हम हाइट आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये होता है वर्नियर हाइट गेज। ये वर्नियर हाइट गेज हमारे पास इस तरीके से कंप्लीट होता है। आपको इस तरीके और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।